तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। वैसे 2023 इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ही रिवोल्यूशनरी रहा है, क्योंकि उस साल हमने ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज देखी हैं, ना कि सिर्फ ऑर्डिनरी, ना कि सिर्फ सुपर डुपर हिट, भाई ब्लॉकबस्टर मूवीज देखी हैं जिन्होंने ठोंक के कमाई करी है, 700 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़। और जो मूवी की हाइप उस साल सेट हुई है, यानी पिछले साल यानी 2023 में, भाई कोई भी मूवीज ले लो, चाहे आप एनिमल ले लो, चाहे आप जवान ले लो, चाहे आप पठान ले लो, लेकिन डंकी और सालार, इन दोनों मूवीज की जो हाइप थी भाई साल के शुरुआत से ही वो हाइप थी, क्योंकि इन्होंने जो लोगों के दिलों में एक्साइटमेंट जनरेट कराया है मूवीज के लिए, लेकिन भाई इनकी कमाई इस लेवल पर जाके गिरेगी किसी ने भी नहीं सोचा था। सभी ने उम्मीद लगाई थी कि भाई साहब दोनों ही मूवी ठोंक के कमाई करेंगी और इंडियन पब्लिक की जो भी पब्लिक है या जो भी पब्लिक इसे अटेंशन देगी, फेवर देगी, भाई उनकी जेब ढीली होने वाली है। यस, जेब ढीली हुई, लेकिन उस हद तक जेब ढीली नहीं हुई जिस हद तक सोचा जा रहा था, क्योंकि डंकी से 1000 करोड़ एक्सपेक्टेशन थी और सलार से कहीं ना कहीं 2000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था। लेकिन भाई साहब सलार अभी 1000 करोड़ करते भी नजर नहीं आ रही है और डंकी अभी 500 करोड़ करते भी नजर नहीं आ रही है। तो डंकी की बात करेंगे भाई साहब, डंकी डे 20 पे एंट्री मार चुकी है और 20वें दिन में शाहरुख खान की ये हालत हो जाएगी जैसा हमने जवान पठान देखा था। उस टाइम पर 20वें दिन में वो मूवीज क्या आग फाड़ रही थी, लेकिन इस टाइम पर डंकी जो 20वें दिन पर रनिंग कर रही है उस हिसाब की ग्रोथ देखते नजर नहीं आ रही है। यानी कि ये वर्किंग डेज चल रहे हैं भाई, असली अग्नि परीक्षा यही होती है और इस पे ये खरी उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। तो कल की भी बात करेंगे, कल डे 19 का क्या कलेक्शन रहा है, कैसा क्या सिनेरियो रहा है, सारी चीजों पर एक एक करके नजर मारेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो भाई साहब डे 19 की बात करते हैं, कल ऑक्यूपेंसी कितनी थी, यानी मंडे वर्किंग डे था, थर्ड मंडे था और भाई साहब यहाँ पर मूवी पूरी पिट चुकी है, घुटनों पर आ चुकी है। अगर ये मूवी फ्राइडे तक ये रेट जैसे तैसे खेल गई तो सैटरडे संडे ये फिर उछाल मारेगा, लेकिन आफ्टर संडे मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये मूवी चलने वाली है। ना कि सिर्फ डंकी, भाई सालार का भी यही हाल होने वाला है। ऑक्यूपेंसी 11% थी कल डंकी की फुल डे। नेट इंडिया से कल अर्ली एस्टिमेट है एंड ऑफ द डे तक आते नजर आ रहा है 1,65,00,000। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 2,10,00,000 के आसपास ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक कमाई करते नजर आ रही है और ओवरसीज से 1 करोड़ का सिर्फ कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। जबकि भाई साहब ओवरसीज से शाहरुख खान की जो फैन फॉलोइंग थी इस बार फाड़ के थी, क्योंकि जवान से जो कमाया है, पहले तो पठान से जो छाप छोड़ी, देन जवान से वो लेगेसी को आगे बढ़ाया, लेकिन डंकी से बहुत उम्मीद थी कि भाई साहब इससे भी और लेगेसी आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्लैशेस के कारण भी नहीं हो पाया और बहुत से भी कारण थे। तो कल पूरी दुनिया से ये मूवी एंड ऑफ द डे तक कमाते नजर आ रही है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 3,10,00,000 के आसपास। तो पहले 19 दिन में यानी कल एंड ऑफ द डे तक टोटल नेट इंडियन कलेक्शन कितना हो जाता है इस मूवी के नाम, भाई साहब 218,17,00,000। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 266 करोड़ और पूरी दुनिया से 447,50,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक अपने खाते में होल्ड कर चुकी थी। आज डे 20 है भाई साहब, थर्ड ट्यूजडे वर्किंग डे है और आज कैसे हाल है भाई साहब, आज तो कल से भी ज्यादा बुरे हाल है। ये मूवी दिन पे दिन भाई घुटनों पे आते नजर आ रही है। देखा जाएगा कि यार 1 करोड़ से नीचे क्या ये आ जाएगी वर्किंग डेज में, अगर आ जाती है तो भाई साहब बहुत बुरे हाल हैं इस मूवी के, क्योंकि जिस हिसाब का इससे एक्सपेक्टेशन था वो कमाई नहीं कर पाई है। क्योंकि भाई डंकी का कंटेंट बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है, ज़बरदस्त कंटेंट है, ब्लॉकबस्टर कंटेंट कहेंगे, लेकिन उस हिसाब का इसे रेस्पॉन्स बॉक्स ऑफिस में नहीं मिल रहा है, बाकी पब्लिक जो है पॉजिटिव रिव्यू उसे दे ही रही है। आज डे 20 है, आज के क्या हाल है, बुरे हाल है वर्किंग डेज की तरह, भाई आग लग रही है, वर्किंग डेज ने आग लगा रखी है। नेट इंडिया से 1,40,00,000 का कलेक्शन आते नजर आ रहा है। उससे पहले ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बताऊंगा भाई साहब, 9-10% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी सिर्फ आज के दिन नजर आ रही है, वो भी सिंगल लैंग्वेज हिंदी में, क्योंकि हिंदी में ही इसे रिलीज कराया गया है, मल्टी लैंग्वेज में नहीं कराया गया है। नेट इंडिया से आज अर्ली एस्टिमेट है 1,40,00,000, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 1,90,00,000 का, पूरी दुनिया से 2,70,00,000 के आसपास ये मूवी कमाई करते नजर आ रही। तो ऐसे में भाई साहब पहले 20 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी का हो जाएगा एंड ऑफ द डे तक 450 करोड़। देखा जाए तो फिर भी ठीक है, ठीक ठाक कलेक्शन इसने अपने खाते में ले लिया है और ह्यूज कलेक्शन नहीं कहेंगे भाई, ब्लॉकबस्टर कलेक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि इस साल खुद शाहरुख खान ने ये चीज़ ये डेफिनेशन सेट करके गए हैं कि भाई 700-800 करोड़ से नीचे अगर तुमने कमाई नहीं करी तो आप ब्लॉकबस्टर का टैग नहीं ले सकते। यस, क्योंकि पठान जवान से धड़ाधड़ 1000 करोड़ ठोके है और 2023 में कोई भी ऐसी मूवी नहीं थी शाहरुख खान के अलावा, कोई भी ऐसा स्टार नहीं था जिसने 1000 करोड़ टच करके गया है। भाई एनिमल से भी एक बार के लिए उम्मीद थी, लेकिन एनिमल अभी रनिंग चल रही है लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ है, अराउंड 900 करोड़ तो उस मूवी ने कंप्लीट कर लिया है। ए रेटेड मूवी होने के बावजूद
भाई रणबीर कपूर का वो स्टारडम नहीं है, बावजूद उसके 900 करोड़ उस मूवी ने फिर भी कंप्लीट कर लिया, उससे सुपर डुपर फार मूवी और कोई नहीं थी। हाँ प्रभास से भाई फुल एक्सपेक्टेशन था कि सलार आएगी और 1000 करोड़ ऐसे चुटकियों में लेके जाएगी, लेकिन चुटकी बज रही है 1000 करोड़ आते नजर नहीं आ रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा भाई साहब, डंकी क्या 500 करोड़ टच कर पाएगी नहीं कर पाएगी, आप लोग बताएंगे। मूवी देख लिए तो ये मूवी आपको कैसी लगी वो भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।